हैं कि ये किन समस्याओं को लेकर यहाँ भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर संसद मार्ग पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे बीच में कुछ महिला भी हैं और महिलाओं से हम जानकारी देते हैं। मैडम आपका नाम? मैं माधुरी जोशी, संभाजी माधुरी जोशी। जोशी जी आप क्यों आई हो यहाँ पर, क्या कारण आपके आने का? हमारा पीएफ फंड जो है, हमारा पीएफ फंड जो है बहुत कम है और ये हमारा पैसा जो है गवर्नमेंट के पास बहुत सारा है लेकिन वो हमें हमारा पैसा नहीं दे रही है। हमें किसी हमारे परिचित को या हमारे सहकारी कामगार को जब 1200 रुपये पेंशन मिलती है तो उसका 1500 रुपये हर महीना दवा के लिए लगता है। तो ये जो है हमारा पेंशन बहुत कम है इसलिए हम यहाँ दिल्ली में झगड़ा करने के लिए आए। इससे पहले बम्बई में गए थे और अभी यहाँ पर आए हैं। तो आपके पास गवर्नमेंट का पैसा क्यों जमा है, आपने क्यों जमा किया गवर्नमेंट के पास? हमारे कंपनी में से ही कटता था। आप कहाँ नौकरी करते थे? हम कंपनी में काम करते थे। कंपनी में काम करते जी हाँ। आइए और जानकारी लेते हैं ये किस संदर्भ में यहाँ है। मैडम आपका नाम? उषा राउत। कौन सा? उषा राउत। उषा राउत, आप यहाँ क्यों आए? हम पेंशन, जिनको पेंशन नहीं मिल रही उनके उनके लिए हम ये करने के लिए आई है आंदोलन। मींस बिकॉज द पीपल मीन हमने देखे हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही उनके बहुत बुरे हाल है। दे आर गेटिंग ओनली 500 to 1000 रुपीज़ पेंशन। 1000 रुपीज़ में हस्बैंड और वाइफ कैसे घर चलाएंगे? कैन यू बिलीव दिस? बच्चे भी नहीं आजकल पूछते। तो फॉर उनके लिए एटलीस्ट मिनिमम 7000 पेंशन होनी चाहिए, एटलीस्ट, नॉट मोर देन दैट। इसके लिए हम आए कि दो लोगों का गुजारा हो जाए आफ्टर 60 ईयर्स, अगर उतनी भी मिले बस, बाकी और किस किसी के लिए नहीं। मैडम आपने जो पेंशन की बात कर रहे हैं, जो वृद्धा पेंशन है वही दिल्ली के अंदर जो अब तो 2500 हो गई, पहले 1000 रुपये थे, फिर 1500 हो गए, अब 2500 हो गए। आप किस सेक्टर में काम करते हो? एक्चुअली हमें पेंशन मिली है, माई हस्बैंड इज़ द कमांडर अशोक राउत, हमें पेंशन मिल रही है, बट ये लोगों को जिनको जो ST कर्मचारी है बैंक उनको नहीं मिले, उनके लिए हम आए हुए हैं। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कुछ बैनर तले यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगें क्या हैं, किन मांगों को लेके ये संसद मार्ग पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम अमृतराव बाबूराव पाटिल। पाटिल जी आप यहाँ क्यों आए? हम यहाँ हमारी EPS पेंशन ये जो है बहुत नाम मात्र है, हमारा पेंशन का पैसा बहुत सारा कटता है लेकिन हमारे हाथ में पेंशन के रूप में ये सरकार कुछ भी नहीं दे पाती है। हमारा पेंशन पैसा कटने के बाद में भी पेंशन हमें मिलती नहीं है। पेंशन ये लोग आमदार खासदार है, ये MLA, ये लोग जो है इनका एक रुपया भी नहीं कटते हुए इनको लाखों रुपए पगार भी मिलती है और इनको पेंशन भी कायम स्वरूप लग जाता है। एक बार अगर एक आमदार चुन के आ गया या खासदार चुन के आ गया तो इनको पेंशन कायम स्वरूप रहती है। हमारे लोगों का पैसा कटने के बावजूद भी हम लोगों को ये पेंशन नहीं दे पाते, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। सरकार अगर चाहती है कि भाई हर मजदूर हर आदमी का प्रोविडेंट फंड कटे उसी तरह उसका पेंशन भी मिले, ये सरकार की योजना है लेकिन ये सरकार नकार रही है, ये सरकार नाकामयाब है, ये सरकार हमें कुछ भी देने से इनकार करती है। ऐसे सरकार को हम धिक्कारते हैं। सरकार ने कुछ भी अच्छा बुरा सोच के ये जो इतना जन समुदाय यहाँ जमा हुआ हुआ है ये सब जन समुदाय को पूरी तरह से हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए, हमें पेंशन के रूप में अच्छा मानधन देना चाहिए। इन्होंने अभी तक क्या पेंशन के बारे में 1700 1800 1500 जो पगार भी नहीं है, जो लोग मजदूरी करते हैं उनसे भी कम पेंशन हम लोगों को मिलती है, हमारा गुजर बसर कैसे होगा, ये सब परिवार हम कैसे चलाएंगे, बुढ़ापे के लिए कोई आसरा होना साधन होना, ये हिसाब से हम यहाँ पर जमा हुए हैं। और हमारे राउत साहब हमारा जो ये मिशन है राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो चला रहे हैं यानी ये चलाते हुए हम लोग उनके साथ में आखिरी तक कायम रहेंगे। जी ये आपका राज्य सरकार का मसला है, आप केंद्र सरकार से क्या मांग करने आए हैं? हमारा राज्य सरकार का नहीं है ये EPS 95, ये केंद्र सरकार का स्कीम है, ये राज्य सरकार से संलग्नित बाब नहीं है, ये केंद्र सरकार के अधीन की बाब है। ये केंद्र सरकार ने EPS 95 का ये मसला चालू करा हुआ है लेकिन ये EPS 95 एक ऐसा मसला है कि इसमें हमारे जो उस टाइम के जो नेता लोग थे उनके भी समझ में बात नहीं आई हुई थी कि हमने हमारा पैसा कट जाने के बाद में ये लोग हमें हमारे हाथ में नाम मात्र पैसा देंगे, ये बात हमने एक दिन अभी आजमाई है, आज हमारे ख्याल में आ रहा है कि हमारा पैसा भी डूब रहा है और हमारे हाथ में EPS 95 के हिसाब से पेंशन भी नहीं आ रही है। ऐसी एक माहौल अभी का तैयार हुआ हुआ है, इसके लिए सब जनमत ये सरकार के खिलाफ में आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी बोल रहे हैं कि हमारा पैसा है और पैसा देने के बावजूद हमें पेंशन नहीं दिया जा रहा, तो आपका नाम?
मेरा नाम अरुण खोड़सकर, मैं बीड़ का हूँ, गोपीनाथ मुंडे के गांव का। गोपीनाथ मुंडे के गांव के? हाँ, यस। आपके क्या मांगे, किन मांगों को लेके आए? देखो, ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ये केंद्र सरकार की है। हमारा पैसा श्रम मंत्रालय में 20 लाख करोड़ रुपया है, उसका आधा ब्याज भी हमको दिए तो 7,500 रुपये पेंशन हमको बैठती है। लेकिन ये मन की बात चल रही है, दिल की बात नहीं, मन की बात, इसमें फर्क है। आया समझ में? सबका साथ सबका विकास की बात चल रही है। सबका साथ सबका विकास, हमें क्यों कर रहे हो बकास? बोलो ना, हम मोदी जी को कहना चाहते हैं, और हमारा श्रम मंत्री कैबिनेट मोदी जी है, उन्होंने ये तय करना चाहिए। ये देश में 54 लाख जो पेंशनर है अलग अलग इसमें डिपार्टमेंट के, हमारा एसटी है यानी महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सेक्शन है, एमएसएमई जो ये बिजली का जो खाता है महाराष्ट्र का, इसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के पेंशनर्स है। इसमें कम से कम 16-17 लाख केवल महाराष्ट्र में है, और बाकी टोटल इंडिया में इसमें 186 उद्योग आते हैं टोटल इंडिया के। तो ये सरकार ने ध्यान देना चाहिए, कम से कम हम ये 13-14 से 7 दिसंबर ही हमारी ये जो ये संसद पे मोर्चा या रामलीला, इसके पहले हम जंतर मंतर पे मोर्चा निकाले थे, अभी बैन कर दिया जंतर मंतर, तो रामलीला को हम वहाँ से आ रहे हैं। ये सब बुड्ढे लंगड़े लूले अंधे भी इसमें है, कितने तो भी औरत लोग है जो थके वाले है, जिनको 750,000 पेंशन अभी मोदी जी ऐसा कॉलर टाइट करते करके बोलते हैं कि हमने 1,000 रुपये में क्या होता है मोदी जी? हाँ बोलो ना, 1,000 रुपये में कुछ नहीं होता, गुजारा नहीं होता। हाँ, तो हमको 7,500 और उसके ऊपर डीए ये गवर्नमेंट ने मंजूर करना चाहिए मोदी जी ने, इतनी हम विनती करते हैं उनको।